नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमता में। आज मैं जा रही हूँ उड़द दाल की बरी बनाने, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और जिस भी सब्जी में डाल दिया जाए उस सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो उन मसालों को दिखा दे रही हूँ मैं। ये ली हूँ जीरा 4 से 5 चम्मच, काली मिर्च 3 से 4 चम्मच, धनिया आधी कटोरी, बड़ी इलायची 6, लौंग 15, दालचीनी 2-3 टुकड़े मैंने लिए हैं, तेज़पत्ता 5 से 6। तो इन सब मसालों को हम पीस लेंगे मिक्सी में, और इसे हम बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, इसे हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। ये देखिए, मैंने लिया है हींग, अदरक और हरी मिर्च। ये हींग मैंने 4 से 5 टुकड़े लिए हैं। ये हींग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और आप भी हींग यूज़ करते समय ये ध्यान रहे कि सिर्फ स्मेल ही ना रहे, उसमें टेस्ट भी रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अब इन सबको हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। और ये हरी मिर्च जो है बहुत ही तीखी है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार हरी मिर्च को यूज़ करें। ये देखिए, मैंने लिया है उड़द की दाल, मैंने इसे रात भर भिगो कर रखा था, और ये अब मैंने इसे धो के ले लिया है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये फूल गया है। तो अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे बाहर भी पिसवा सकते हैं, पर मिक्सी में पीसने से ये बहुत ही अच्छे से फेटा जाता है, और दाल जितना ही अच्छे से फेटा रहता है उतना ही अच्छे से उठता है और बहुत ही अच्छे से बरी बनती है। तो ये देखिए, मैंने पीस कर ले लिया है दाल। तो अब इस दाल में हम डालेंगे पेठा वाला कद्दू। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने कद्दू लिया है 2 किलो, और इसे कद्दू कस करके मैं इसी दाल में, पिसे हुए दाल में इसे मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, मैंने कद्दू को कद्दूकस कर लिया है, और इसका जो पानी है इसी पानी से हम दाल और मसालों को पीसेंगे इसी पानी से। और ध्यान रहे कि जो दाल में हम बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसेंगे, नहीं तो हमारा पेस्ट जो है वो गीला हो जाएगा। तो पेस्ट को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। और ये देखिए, मैंने ये मसालों को दरदरा पीस लिया है, और अब मैं इन सारे मसालों को इस पेस्ट में मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे मसालों को निकाल लिया है, और अब मैं मिक्सी जार में हरी मिर्च और अदरक डालूँगी, और इसी में मैं हींग भी पीस लूँगी। तो ये देखिए, मैंने अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है। देखिए, ये बिल्कुल दरदरा है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें पेठा वाला जो मैंने कद्दू लिया है उसे भी इसमें मिला दूंगी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे, ताकि हमारी बरी जो है वो बहुत अच्छे से उठे। और अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगे। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली है, और अब मैं इसे तेज़ धूप में बरी को डालूँगी। मैंने कॉटन के कपड़े में डाला है, आप चाहें पॉलीथीन पर भी डाल सकते हैं। तो आज मैं इसे, जब तक धूप है, इसे मैं अच्छे से सुखा लूँगी, और उसके बाद मैं 4 से 5 दिन में और तेज़ धूप में इसको सुखा लूँगी, ताकि अच्छे से ये सूख जाए। जितनी ही बरी को अच्छे से हम सुखा कर रखेंगे, उस बरी मेरी उतनी ही अच्छी रहेगी, और साल भर मेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी बरी। तो ये देखिए, मैंने बरी मेरी सूख गई है, और मैंने इसे एयरटाइट डिब्बे में रख लिया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।